अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में आई एम एडिंग टू रेसिपीज। नंबर वन इज़ स्मैश्ड आलू पापड़ी चाट और दूसरी है अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक की। दोनों रेसिपीज बहुत यूनिक हैं लेकिन बहुत ईजी और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं, सो कीप वॉचिंग। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने प्रिपेयर करना है दही। तो दही के लिए मैं थोड़ा मीठा दही बनाऊंगी, जो कि जैसे कि कराची में मिलता है चाट में। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी, 1 पिंच सॉल्ट ऐड करूंगी। इमली की चटनी के लिए मैंने ले ली थी 1/2 कप इमली और उसको पानी में भिगो दिया था। अब एग्जैक्ट जो क्वांटिटीज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसके लिए मैंने लिया है ब्राउन शुगर, सॉल्ट, साबुत जीरा, पिसा जीरा, थोड़ा सा गर्म मसाला, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स। और ग्रीन चटनी के लिए वैसे तो ऑफकोर्स पुदीना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे पास पुदीना नहीं है तो मैं सिर्फ धनिया यूज़ कर रही हूँ। इसमें जाएगा धनिया, लहसुन, 1 हरी मिर्च, लेमन जूस और सॉल्ट और साबुत जीरा। और टॉपिंग्स में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, चॉप्ड अनियंस और ढेर सारी पापड़ी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं छोटे वाले आलू और इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और बॉईल कर लिया है। बॉईल हुए हुए इनको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको स्किन के साथ यूज़ करूँगी, स्किन के साथ ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर मैंने ले ली एक बेकिंग शीट और उसके ऊपर डाल दिया है मैंने बटर पेपर। अब आलुओं को मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी और इनको हम करेंगे स्मैश एक ग्लास की मदद से। ग्लास की बैक साइड मैं यूज़ करूँगी और इसको इस तरह से हम इसमें से इस तरह से इनको हम बिल्कुल स्मैश कर देंगे। रफली करना है ताकि ये जब बेक हों तो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। सारे पोटैटोज़ को इस तरह से मैंने स्मैश कर लिया था विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास और इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ ऑयल। ऑयल इतना स्प्रे करना है ताकि बस इसकी जो क्रस्ट है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसको मैं ओवन में प्लेस कर दूंगी, प्री हीटेड ओवन में एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। ये आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर मैंने 200 पे सेट किया हुआ है और साथ में फ़ैन मोड ऑन है, दोनों रॉड्स ऑन हैं फॉर अबाउट 15 मिनट्स। चले गए ओवन में, तो अब बना लेते हैं अपनी इमली की चटनी। सबसे पहले इमली का पानी चला जाएगा एक पैन में, साथ में मैं इसमें डाल दूँगी ब्राउन शुगर और सारे जो हमने स्पाइसेस निकाले थे, और इसे हम कुक होने देंगे जब तक इसमें 2-3 बबल्स नहीं आ जाते और ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता, तब तक हम इसे कुक करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। अभी तो ये बहुत रनी है तो बस हमें इसे थोड़ा गाढ़ा करने से कंसिस्टेंसी थिक करनी है। इधर हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना दही ताकि ये मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे चिल होने के लिए। इसमें शुगर और सॉल्ट ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसको अगर आपने रनी करना है तो आप थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थिक कंसिस्टेंसी पसंद है तो मैं एज इट इज़ रखूँगी। हमारे दही तैयार हो गया, अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, तब तक हम अपनी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। इधर मैंने ले लिया एक चॉपर और इसमें मैं डाल दूँगी सारा हरा धनिया, मिर्चें और लहसुन। फिर चला जाएगा लेमन जूस और सॉल्ट और जीरा। इसके अंदर मैं एक आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ और ब्लेंडर चला दूंगी। ये मेरी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है, थोड़ी सी स्पाइसी है क्योंकि मिर्चें आजकल स्पाइसी आ रही हैं। और यहाँ पे मेरी इमली की चटनी बॉईल हो रही है, बस थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि और ज़्यादा थिक हो जाए, उसके बाद फिर बस आलूओं का वेट करूँगी एंड देन वी असेंबल इट। मेरी इमली की चटनी तैयार हो गई, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है अभी क्योंकि वार्म है, तो अभी तक थोड़ी सी रनी लग रही है, लेकिन ये जब कूल डाउन हो जाएगी तो थिक हो जाएगी। मैं इसे बोल में निकाल लूँगी। ये मैंने आलूओं को ओवन से निकालिए, बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं बाहर से, क्रंची और क्रिस्पी। और अब बस इसे मैं कूल डाउन होने दूंगी क्योंकि गरम गरम उसमें नहीं डालूंगी वरना दही का फ्लेवर अजीब सा हो जाएगा। सो इसको 10-15 मिनट दूंगी थोड़ा ठंडे हो जाए, उसके बाद हम असेंबल करेंगे। आलू ठंडे हो गए हैं, मैंने उनको नीचे से स्क्रेप ऑफ कर लिया था और ये बहुत क्रिस्पी मज़े के हो गए हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरी बाहर निकाल ली हैं तो अब इस डिश में असेंबल करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी जो दही है हमारा, ये अच्छे से चिल हो गया था फ्रिज में। इसमें चले जाएंगे आलू, अच्छे से इनको इसमें लेयर कर देंगे। इसमें चली जाएगी इमली की चटनी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे असेंबल कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चटनी, ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही बिकॉज स्पाइसी ना हो जाए ज़्यादा, बस कलर के लिए ऐड कर रही हूँ और थोड़े से फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पापड़ी,
लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप प्याज। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी ताकि ये और थोड़ी चिल हो जाए, उसके बाद सर्व करते हैं। भाई अभी अम्मा ने चाय पी है और मैं चिल करके ले आई हूँ चाट, अब आप निकालो। कैसी लग रही है? टेम्प्टिंग। हमने ये क्या बना दिया है आपने? क्या क्रिस्पी आलू है और चटनी? ग्रीन मैंने इतनी नहीं डाली क्योंकि अनिया नहीं खाती ना। जवाब चटनी इतनी मजे की, क्या खुशबू आ रही है हरे धनिया वाली जो चटनी आपने बनाई है, और जो मीठी चटनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी आलू, उफ मेरे। आप एंजॉय करो, मैं अनिया को देख आती हूं। हाँ देख लो। तो फॉर दिस पाइनएप्पल केक हमें चाहिए होगा मैदा, अंडे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, वनीला एसेंस, शुगर, पाइनएप्पल जो कैन में आता है अगर आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में जाएगा बटर, पाइनएप्पल सिरप एंड बटर मिल्क, और साथ इसमें हम जो बेस बनाएंगे वो बनाएंगे ब्राउन शुगर और बटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे जो पाइनएप्पल्स हैं उनको हम अरेंज कर लेंगे इसकी बेस के ऊपर। इसको पहले मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और फिर लाइन कर लिया बटर पेपर के साथ। तो अब ये जो पाइनएप्पल्स हैं इनका क्यूट सा पैटर्न जो है हम इसके ऊपर बना देंगे। अगर आपके पास फुल स्लाइसेस हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये कट हुए हैं तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इनको इसके अंदर हम लाइन करते जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं जो हमारा मेल्टेड बटर है वो डाल देंगे सारा। वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इक्वली। और लास्टली ये मेरे पास जो ब्राउन शुगर है स्प्रिंकल कर देंगे। ये बन गई है इसकी बेस और अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं। एक बड़े बोल में मैं ऐड कर दूंगी बटर। बटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो चुका है। और एक विस्क की हेल्प से हम इसे अच्छे से क्रीम कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका काम ईजी हो जाएगा। इसको हम 2 to 3 minutes के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और एग्स वगैरह, और फिर बाकी प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। हमारा बटर अच्छे से क्रीम हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। इसको भी हम अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक शुगर अच्छे से इसमें कंबाइन नहीं हो जाती है। जैसे ये मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम इसमें एग्स ऐड कर लेंगे। शुगर काफ़ी हद तक इसमें मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एग्स। साथ इसमें चला जाएगा वनीला एसेंस। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना, बस इतना कि सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो जाए। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाइनएप्पल सिरप। साथ इसमें चला जाएगा बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उसके अंदर 1 tablespoon जो है आपने इसमें ऐड कर देना है विनेगर। आप देख सकते हैं कि कितना क्लम्पी था, बस आपने विनेगर ऐड करके इसे 15 minutes के लिए काउंटर पर छोड़ देना है तो आपका बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसमें हमारे पास मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैदा और साथ चला जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। इसे हम जेंटली विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैं इसे फोल्ड कर दूँगी स्पैचुला से। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा लम्स हैं क्योंकि हमने एकदम से ऐड किया है, स्लोली स्लोली से मिक्स करेंगे और जैसे बैटर की शेप में ये आ जाएगा तो फिर इसे फोल्ड कर लेंगे। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है, क्लम्प जितने भी लम्स थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरह की है। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। फोल्डिंग का तरीका बहुत सिंपल है, आपने बस स्पैचुला से एक डायरेक्शन के अंदर इसे इस तरह से मूव करना है अपना स्पैचुला और सेंटर से यूँ कट कर लेना है ताकि बैटर बहुत ज़्यादा एरी हो जाता है और राइस अच्छा होता है और क्या कहते हैं सॉफ्ट फ्लफी बनता है। आप चाहें तो इसके अंदर नट्स भी डाल सकते हैं, बट दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अब हम अपनी जो बेस तैयार की हुई है टिन की, इसमें मिक्सचर फोल्ड कर देंगे। अवन मैंने प्री हीट कर दिया है एट अबाउट 180 degrees centigrade फॉर अबाउट 15 minutes।
टिन में बैटर जो है मैंने 3/4 ऑफ द वे तक फिल किया, क्योंकि राइस होगा एक्सपैंड होगा तो इतनी स्पेस हमने छोड़नी होती है। 8 इंच का मैंने पैन यूज़ किया है और बाकी जो है वो मैंने एक पाई पैन में डाल दिया, क्योंकि मुझे अपना इससे बड़ा वाला जो 12 इंच वाला मोल्ड है वो नहीं मिल रहा था। तो दिस इज़ अराउंड 3/4 ऑफ द मिक्सचर, ये 1/4 जो है इसके अंदर आ गया है। तो पहले मैं इसको बेक करूँगी और इसे प्लेस करूँगी मिडिल रैक में। रॉड्स मैंने दोनों ऑन कर दिए हैं ऊपर और नीचे के, और टेम्परेचर रखा है 180 पे। और अब मैं इसे रखती हूँ अवन में और फिर हम इसे जब बेक हो जाएगा आफ्टर अबाउट 45 to 50 मिनट्स, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 180 डिग्री टेम्परेचर है, फैन मोड ऑन है, दोनों रॉड्स ऑन है और ये मैंने 40 to 45 मिनट्स की रख दिया इसे बेक होने के लिए। 50 to 55 मिनट्स हो चुके थे, मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं रख दूँगी इसे वायर रैक पे थोड़ा कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि अगर मैंने इसे अभी गरम गरम निकाल लिया तो पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ बिल्कुल ही डिसअसेंबल सा हो जाएगा। तो इसे हम कूल डाउन होने देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, अच्छे से ही ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सर्व करते हुए दिखाऊँगी। इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल और मेरा केक जो है अच्छे से कूल डाउन हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट आउट ऑफ दिस पैन, तो मैं इस ट्रे के अंदर इसे निकाल रही हूँ। इसमें ला रखा है, कम आउट परफेक्टली, ये इस तरह का दिख रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी। बटर मिल्क से जो केक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पंजी बनते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। Yum. So guys, these were the two recipes and I hope you guys liked them. चाट भी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत खट्टी मीठी स्पाइसी और क्रंची बहुत अच्छी बनी थी। एंड एवरीबडी लाइक एंड यू सॉ माज रिव्यू इन द वीडियो एज वेल। एंड द केक, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी काफ़ी पहले, आई थिंक इट्स बीन अबाउट 2 to 3 weeks टू दिस टू द रिकॉर्डिंग्स। तो अब मुझे टाइम मिला था उसे एडिट करने का। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आई विल बी मीटिंग यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।